الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. एक और बुलंदतर आवाज में अज़ीज़ाने गिरामी, सामईन ज़वी इहतराम, कुरान और हुसैन के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज हुआ है, आज ये उसकी गोया तीसरी किस्त है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान और हुसैन ऐसा दिलावेज उन्वान है कि इस पर तो पूरी एक किताब तसनीफ़ की जा सकती है, बल्कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं। आप देखिए ज़रा इस घराने की वहदत कुरान के साथ। ये जो अहले बैत नबूवत हैं, ये जो इस्मत का घराना है, ये जो ख़ानदान नूर है, इसकी नूर कुरान से वहदत तो देखिए। बाप पैदा होते ही कुरान मजीद की तिलावत करता है, जो अली विलादत के बाद कुरान मजीद पढ़ते हैं हुजूर के मौजूदगी में, उन्हीं का बेटा ज़बह होने के बाद कुरान पढ़ता है, नो के नज़ा पर दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान। क्या वहदत है कुरान के साथ, इस ख़ानदान की क्या वहदत है। आप इजाज़त दें तो मैं अपने ही एक सलाम का एक मतला भी इस वक्त याद आ रहा है तो अर्ज़ कर दूँ। ज़मीन तो मीर अनीस अलैहिर रहमा की है, लेकिन यानी तलक उसमें रदीफ़ है, लेकिन इस मज़मून को गौर फरमाएं और क़ुरान मजीद में एक अज़ीम मिसाल मौजूद है जनाब ईसा इब्ने मरियम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आगोश मादर में कलाम करने की मिसाल, तिलावत करने की मिसाल। उमूमन आम जो तकाज़े हैं तबीयात के, उमूमन बच्चा मुकम्मल कलाम नहीं कर सकता, उमूमन कटा हुआ गला भी मुकम्मल कलाम नहीं कर सकता। बस ये तसव्वुर और तमाम रिवायतें आप हजरात के जहनों में हैं, उन्हें जहन में ताज़ा कर लीजिए और फिर ये दो मिसरे समाअत फरमा लीजिए।
कि आवाज़ सुखन है कहाँ से कहाँ तलक, आवाज़ सुखन है कहाँ से कहाँ तलक, गहवारे मसीह से नो के सेना तलक। गहवारे मसीह से नो के सेना तलक। तो जो अरबाब इस्मत होते हैं, जो अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से साहिब उहदा व मनसिब व मंजिलत होते हैं, उनकी नूर कलाम हक़ के साथ मुकम्मल वहदत होती है। यही वहदत हुसैन और क़ुरान में है। जो शख्स क़ुरान मजीद की हुरमत को पामाल करता है, ये यकीन कर लीजिए कि उसने तहजीब हुसैनी की आगोश में परवरिश नहीं पाई है। तहजीब हुसैनी कह रहा हूँ मैं, तरकीब पुरानी है मेरी ही ज़बान पे, कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ। तहजीब हुसैनी एक मुकम्मल तहजीब है, एक मुकम्मल सकाफ़त है। तहजीब अज़ा, तहजीब विलायत, तहजीब मवद्दत, तहजीब हुसैनी सकाफ़त आल मोहम्मद। इस सकाफ़त में, इस तहजीब में जिन तबीयतों को नश्व नुमा पाने का मौका मिलता है, जो जहन परवान चढ़ते हैं, जो दिल परवान चढ़ते हैं, जो तबीयतें ढलती हैं, मुमकिन है कि क़ुरान मजीद के बाब में ज़रा सा सूए अदब करें? मुमकिन नहीं है। हमारे लिए क़ुरान मजीद की हुरमत उतनी ही अहम है जितनी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बलंतर सलावात भेजे मुहम्मद। कल गुफ्तगु एक खास फराज़ मानी तक पहुंच गई थी और बात अतवार वजूद की भी छिड़ गई थी। अब वो इसलिए ज़रूरी हुई कि क़ुरान मजीद ने ख़ुद अपना जो तआरुफ कराया है, हक़ सुबहानहु व तआला ने, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ख़ुद क़ुरान में जो क़ुरान का तआरुफ पेश किया है, उसका एक मकाम आपके सामने अर्ज़ किया था, जिसमें लाजमी तौर पर यह बहस दरमियान में आई कि आखिर अतवार वजूद कितने हैं। एक ये तौर वजूद है क़ुरान मजीद का जो लफ्ज़ अरबी में है, क़ुरआनन अरबिया, इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून। यहाँ एक बहस और है, हर तौर वजूद के अपने आसार वजूद हैं, हर तौर वजूद के अपने आसार वजूद हैं, हर सतह वजूद के अपने आसार हैं। ये सब बुनियादी बहसें हैं हिकमत की, और बतौर ख़ास हिकमत इस्लामी और हिकमत कुरानी की, हिकमत यमानी की। ये हिकमत यमानी की तरकीब मैं ईजाद नहीं कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर यह तरकीब आई थी। हिकमत यमानी, हिकमत कुरानी, हिकमत ईमानी, हिकमत तौहीदी, हिकमत समदी, हिकमत इस्लामी, इसके मबाहिस हैं ये। वजूद शनासी, इल्म शनासी, वजूद के मरातब, हर मरतबा वजूद, हर सतह वजूद के अपने आसार वजूद हैं, आसार वजूद दिया हैं।
तो इसी आयत में लअल्लकुम तअक्लून, या लअल्लकुम किसके आसार में आएगा? कुरआनन अरबिया। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिया, हमने इसको कुरान अरबी करार दिया है ताकि तुम समझ सको। अगर हम इसे कुरान अरबी की शक्ल ना देते तो वो जो अली हकीम है वो हकीकत तो तुम्हारी समझ में ना आती। इसलिए कि वो तौर वजूद क्या है, वइन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम। इस आयत में और कोई बात नहीं अर्ज कही गई है, इस आयत में यही इरशाद फरमाया गया है कि ये खानवादे नूर और ये अल्फाज नूर एक दूसरे से मुकम्मल वहदत रखते हैं। अच्छा, आतवार वजूद ही की बहस को जहन में रखें, और ये जो तीन दिन से मैं आयत की तिलावत कर रहा हूँ सरनामे के तौर पर, लेकिन अभी तक मैंने तर्जमा नहीं किया इसका। अब ये मेरा अंदाज़ गुफ्तगू है, कभी कभी आयत की तिलावत करता हूँ और फौरन उसका तर्जमा नहीं करता, लेकिन पूरी गुफ्तगू होती है उसी आयत की मानवी फ़ज़ा में। अगर अतवार वजूद का फ़र्क समझना हो तो उस आयत पर अब गौर कीजिए और उस आयत को समझिए। सूरह मुबारक हशर की आयत है, लो अनज़लना, कुरान की आज़मत, कुरान की आज़मत, कुरान की ज़बानी, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमा रहा है कि अगर हम इस कुरान को किसी अजीम पहाड़ पर नाजिल करते, तो لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله, तो तुम देखते कि वो पहाड़ अपनी तमाम तर संगीनी, सख्ती और अपनी आज़मत के बावजूद टुकड़े टुकड़े हो जाता खशियत इलाही से, खौफ इलाही से। फिर फरमाया गया वतिल्कल अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए देते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो फ़िक्र से काम लें। फ़िक्र से काम लें, जब कुरान ने कहा तो हम फ़िक्र से काम लें या ना लें, मजबूर हैं। एक तो खुद जहन ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि यह जहन मजबूल है, यह जहन बना ही इस तरह से है कि इसका काम ही है सोचना। मुमकिन नहीं है कि हक सुबहानहु व तआला कोई शय खल्क करे, उसकी फितरत में कोई अम्र रखे और उसको उसी अम्र से रोके, यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो दीन, कोई भी वो मजहब, वो दीन जो सोचने से मना करे वो कुछ हो सकता है, इलाही मजहब नहीं हो सकता। अल्लाह की तरफ से आने वाला दीन इंसान को सोचने से मना नहीं कर सकता, फिक्र से नहीं रोक सकता। जो भी दीन उधर से आया हुआ होगा वो ये नहीं कहेगा बस जो हम कह रहे हैं आंख आंख बंद करके मान लो, खबरदार सवाल ना करना, खबरदार उनकी किताबें ना पढ़ना, खबरदार उनकी मजलिसों में न जाना, खबरदार उनकी महफिलों में न जाना, वरना तुम्हारी फिक्र बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम बदल जाओगे, तुम्हारा दीन नाकिस व फासिद हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से जो दीन और मजहब आया हुआ होगा उसमें ये बातें हो ही नहीं सकती। इसलिए कि वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कायनात का मुतालआ करो, सबको देखो, तमाम मकातिफ फ़िक्र का मुतालआ करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इलाही मकतब की अज़मतें क्या होती हैं, इलाही मकतब की अज़मतें क्या होती हैं। तो बहरहाल, एक तो जहन ऐसा बनाया कि सोचने पर उसकी फितरत ही है सोचना, और दूसरे दावत दी बार बार लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो सोचें, लोग सोचें। क्या सोचें? सबसे पहले तो यही सोचेंगे कि अब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आगे बढ़ूँ ना धीरे धीरे, ताकि जो लोग स्कॉलर्स नहीं हैं और आम अंदाज से सोचते हैं, फिर वो भी
हम वहाँ तक पहुँचें और फिर उनको साथ लेके कुछ आगे बढ़ें। कुरान मजीद में ये लिखा है कि अगर ये कुरान हम किसी अजीम पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो वो पहाड़ खौफ खुदा, खशियत खुदा से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान ही का वस्फ है ना, कुरान का वस्फ है ना। ये पूरा कुरान आप एक छोटी सी लकड़ी की रहल पे रख देते हैं, रहल तो जूं के तू रहती। बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, रहल तो रहल पे रख के कुरान पढ़ते हैं या नहीं, और एक आयत रखते हैं, पूरा कुरान रहल पे रख देते हैं और रहल को जुम्बिश भी नहीं होती, जूं के तू अपनी कुव्वत के साथ बाकी रहती है। कुरान कह रहा है अगर पहाड़ पे नाजिल करते तो रेजा रेजा हो जाता पहाड़, और आप पूरा कुरान एक लकड़ी की नाजुक सी रहल पे रखे हुए हैं और इस रहल को कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्या करिश्मा है। या आप कुरान अपने एक हाथ पे ले लेते हैं, आप कुरान मजीद अपनी जेब में रख लेते हैं, यहां आसार क्यों नहीं जाहिर हो रहे हैं? इसीलिए जाहिर नहीं हो रहे कि ये तौर वजूद कुछ और है, वो तौर वजूद कुछ और है। और हमारे आप इसे भूलिएगा नहीं, ये तौर वजूद ये अरबी मुबीन में ये आपके हाथों का बनाया हुआ कागज, आपके हाथों की बनाई हुई रोशनाई, आपके हाथों का बनाया हुआ कलम, आपके हाथों का बनाया हुआ प्रेस, आपके हाथों की बनाई हुई जिल्द, जो कुछ है इसमें जो आपके सामने रहल पे रखा है आपके हाथों का बनाया हुआ है। आपके हाथों के बनाए हुए कुरान मजीद में इतनी तासीर नहीं हो सकती कि एक नाजुक सी रहल भी मुतहर्रिक हो जाए, लेकिन जो नूर मशीयत से लिखा हुआ कुरान होगा वो कुरान वो अजमत रखता है कि अगर पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। नूर मशीयत से लिखा हुआ कुरान, नूर हक से नाजिल होने वाला कुरान कहीं नहीं ठहर सकता मगर उसी नूर पर जो खुद नूर हक से मुश्तक हुआ हो। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये एक तौर वजूद है, वो एक तौर वजूद है। अब इसमें हम तौर हकीकी किसको कहें और तौर मजाजी किसे कहें, तौर ज़हनी किसे कहें। अब ये ज़ाहिर है कल ये शिकायत आ गई मुझ तक कि ज़बान और इस्तिलाहें और सतह गुफ्तगु ज़रा गैर मानूस सी सतह थी, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी रविश तो खैर नहीं बदलूँगा। इंसान को इंसान कहते ही इसलिए हैं कि वो नामरई हकीकतों से भी मानूस हो जाता है। तो आप जिन चीज़ों से मानूस हैं पहले से उन्हें दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे बलंतर कुछ सतह गुफ्तगू आनी चाहिए सामने। आज़मत कुरान की बात है, आज़मत कुरान, ये कुरान भी अजीम है चूँकि ये हिकायत करता है उसी की। ये कुरान अजीम है क्योंकि ये अल्फाज आपके हैं। देखिए ये ज़रा समझिएगा, नमाज के अहकाम में एक हुक्म बाज़ फुकहा ने बहुत तवज्जो दिलाई है, कहा जब तुम पढ़ रहे हो नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये जो सूरा पढ़ते हैं इहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम, तो तुम इसे अपनी तरफ से बनियत दुआ ना पढ़ो वरना ये तुम्हारा कलाम हो जाएगा। इस नियत से पढ़ो कि हम मामूर हैं, हमें वो कलाम दोहराना है जो अल्लाह का कलाम कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ था। तवज्जो रखिए, लफ्ज़े वही हैं, मखारिज वही हैं, तलफ्फुज़ वही है,
मगर इस नीयत से किया कि ये मेरी दुआ है तो कलाम आदमी हो गया। इस नीयत से किया कि हम वो कलाम दोहरा रहे हैं, वाजिब है, फर्ज है कि नमाज में हम वो कलाम तिलावत करें, तिलावत करें, ईजाद न करें, तिलावत करें, इंशा न करें, तिलावत करें। तिलावत यानी पैरवी। और हमारे यहां अगर अपनी तरफ से कहा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कलाम आदमी है, फर्ज अदा नहीं हुआ। इस नीयत से कहा कि ये वही आयत मैं दोहरा रहा हूं जो अल्लाह की तरफ से कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई थी, जो जबान मुस्तफ़ा से उम्मत तक मुंतकिल हुई, वही कलाम मैं दोहरा रहा हूं तेरे सामने मालिक परवरदिगार, मैं तेरे महजर में तेरा ही कलाम पढ़ सकता हूं, मुझे कहां मजाल, ये जुरात, ये हिम्मत, ये हौसला कि खुद कुछ कह सकूं। और हमारे यहां तेरे महजर में तेरा कलाम पेश कर रहा हूं, अगर इस नीयत से पढ़ा वाजिब अदा हो गया, नमाज सही हो गई। और हमारे यहां तो ये नीयत के बदल जाने से हकीकत इतनी बदल गई कि वो कलाम आदमी हो गया, और नीयत जरा सी बदली तो वो कलाम अल्लाह कहलाया। और फरमा रहे हैं आप, तो अब यही कुरान जो पेशावर कातिब लिखते हैं, पेशावर कातिब जिनका काम है पैसे लेना, किताबत करना, ईमान है नहीं है, तकवा है नहीं है, तहारत है नहीं है, ये पूरा कुरान लिख देते हैं, ना उनके हाथ में तासीर पैदा होती है, ना इस लिखी हुई तहरीर में। और कोई बा तकवा आलिम बा अमल सिर्फ अपने कलम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिख कर दे देता है और कोई अपने पास रख लेता है तो चलने वाला पानी पर आसानी से चलता है। है तो वही बिस्मिल्ला। ये जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है ये कुरान मजीद। और हमारे आप नीयतों का फ़र्क समझें, नीयत की अजमत समझें, इस हकीकत को समझें, कल्ब मोमिन की कैफियत क्या होनी चाहिए, कैसा साफ कल्ब होना चाहिए, कैसी नीयत होनी चाहिए। और हमारे आप यही कुरान, यही कुरान मशहूर वाक़िया है ना, अल्लामा मुर्तज़ा आलमुल हुदा का वाक़िया है, बगदाद का, दरियाए दजला मौजूद है अब भी, ये उस वक्त भी ये दरिया मौजूद था। और ये हकायत है कि एक शख्स रोज़ाना दर्स में आया करता था अल्लामे मुर्तज़ा आलमुल हुदा के दर्स में। एक दिन बहुत ताखीर हो गई, शागिर्द लायक था, लायक ये अच्छे उस्ताद की पहचान होती है कि अच्छे शागिर्दों पर ख़ास तवज्जो होती है। उस्ताद को फिक्र कि भाई हमने मतालिब बयान किए लेकिन वो जो अहल था वो तो मौजूद नहीं था। बहरहाल वो जब आया, कहा क्या बात है, कहा कि मैं क्या अर्ज़ करूँ, मेरा घर दरिया के उस तरफ है और कोई कश्ती मौजूद नहीं थी, तो मुझे देर हो गई, जब कश्ती आई मैं सवार हुआ फिर आया। कहा अच्छा, तशरीफ ले गए, कुछ लिखा और कागज़ मोड़ के दे दिया, ऐसे अपने साथ रखना, आइंदा कश्ती मिले या ना मिले तुम दरिया पे चलते हुए आ जाना। किसी इमाम मासूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नबी की बात नहीं है, अभी इमाम की बात नहीं है, अभी उस इमाम जादे की बात है जो इमाम के और उसके दरमियान 7 या 8 फासले हैं नस्ल के, 7वीं या 8वीं नस्ल में हैं जनाब इमाम मूसा अल काज़िम अलैहि सलातो वसलाम। और उसके बाद वो आदी हो गए, आते रहे जाते रहे। एक दिन जो खोल के देखा, देखिए नीयत और एतबार, यकीन, आजमत, शक का गुजरना हो दिल में दिमाग। एक दिन खोल के देखा तो कहा अरे ये तो बिस्मिल्लाह ही है,
अरे ये तो बिस्मिल्लाह ही है। और मारे हैं आप, इस इम्प्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की मजीद तशरीह की जरूरत तो नहीं है, है? अरे ये तो बिस्मिल्लाह ही है, वो तासीर खत्म हो गई। देख रहे हैं आप कैसे आसार वजूद में आते हैं और कैसे आसार खत्म हो जाते हैं। पूरा कुरान आपकी रहल पे रखा होता है और कोई असर नहीं होता, पूरा कुरान आप बगल में दबा लें जिसमें 114 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, आप दरिया क्रॉस नहीं कर सकते। और एक अलमुल हुदा हो जो अपने कलम से लिख दे तो उसमें वो आसार पैदा हो जाते हैं। गौर फरमाया आपने, हम आप दिन रात कुरान मजीद की तिलावत करते हैं लेकिन जब अली तिलावत करते हैं तो शान कुछ और होती है, जब हुसैन तिलावत करते हैं तो शान कुछ और होती है, जब कोई सादिक आले मोहम्मद तिलावत करता है तो शान कुछ और होती है, जब कोई कायम आले मोहम्मद तिलावत करता है तो शान कुछ और। एक बलंतर सलावात पढ़ दें मोहम्मद। तो ये आयत थी जो मैं रोज़ाना तिलावत कर रहा हूँ कि लो अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन, क़ुरान की आज़मत है, क़ुरान की तासीर, क़ुरान की आज़मत, क़ुरान की अहमियत मकतब अहले बैत में शीयों के दरमियान। अगर हम इस क़ुरान को किसी अजीम पहाड़ पर, अब अजीम है के तर्जमे में इसलिए कह रहा हूँ कि ये अरबाब बलागत समझते हैं कि तनवीन जो है जबलिन, ये जो तनवीन है, इन्होंने तनवीन जो लिखा नहीं जाता सिर्फ पढ़ने में आता है, इसमें भी कितनी मानवियतें हैं। तो कभी ये तआज़ीम के लिए आता है और कभी ये तहकीर के लिए आता है और कभी ये तनकीर के लिए आता है और कभी ये तमकीन के लिए आता है। अब ये सब इस्तिलाहें हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आप तहकीक करेंगे तो इल्म के दरवाज़े खुलते चले जाएँगे। मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ इसलिए अर्ज़ करता हूँ, जो जिसका अहल हो वो अपने मुताबिक कलीदें लेता जाए और अपने ज़ौक के मुताबिक दरवाज़े खोलता जाए। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। और नहव से लेकर बलागत तक का सफ़र करना होगा। नहव की किताबों में तो बहुत छोटी छोटी बातें और मामूली सतह की बातें हैं, फिर बलागत की किताबों में जो है वहाँ और तफसील है। तो किसी अजीम पहाड़ पर अगर नाजिल कर देते हम इसे, अल्लाह फरमा रहा है, तो खौफ इलाही से, खशियत इलाही से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि यकीनन दो मतालिब इससे कबल मैं कहीं यहीं गालिबन माह मुबारक रमज़ान में अर्ज़ कर चुका हूँ या उससे पहले, कि सोचने की बात यह है कि पहाड़, ये पत्थर का पहाड़ अगर खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो सकता है तो हमारे दिल नरम क्यों नहीं होते। कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों में कितनी गुदाजी, दूसरों के लिए कितनी दिल सोजी, कितनी गुंजाइश, कितनी गिराई, कितनी गहराई पैदा हो जानी चाहिए, कितनी दर्दमंदी पैदा हो जानी चाहिए। कुरान नाजिल ही इसलिए हुआ है ताकि इंसान का दिल दूसरों के लिए दर्दमंद हो जाए, दर्दमंद। बहुत पुराना शेर है, आप में से जो उर्दू ज़बान का ज़ौक़ रखते हैं और पुरानी नस्लों की, गुज़श्ता नस्लों की जिन्होंने आँखें देखी हैं गौर से, बुज़ुर्गों की, उन्हें याद होगा यह शेर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला की इबादत के लिए फ़रिश्ते कम थे क्या कि हम जैसे नाफरमान बंदों को पैदा किया अल्लाह ने? वो फरमा बरदार मखलूक कि जिसको कह दिया तुम सजदे में रहो वो सजदे में है, जिसको कह दिया कि तुम रुकू करो वो रुकू में है, जिसको कह दिया क़याम की हालत में रहो क़याम की हालत में, जो तस्बीह कर रहा है तस्बीह कर रहा है, जो तहलील कर रहा है तहलील कर रहा है। एक
जिसे आम बिल्कुल आम इस्तेलाह में कहते हैं कि एक बाल के बराबर भी, हालांकि ये बाल भी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी फरिश्तों की लताफत के सामने, इसके बराबर भी वो हुक्म इलाही और अम्र इलाही से ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। वो करूबियां, वो फरिश्ते, वो मलाइका, वो नूरी मखलूक, वो अल्लाह की इबादत के लिए कम न थी। हमें और आपको पैदा किया है इस दारे इब्तिला में, दारे आजमाइश में, इस दारे हुदना हमें, दारे हुदना तरकीब याद रखिएगा, किसी वक्त इसके बारे में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये तरकीब मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जारी हुई है इस आलम की के ताल्लुक से। इस दुनिया में तवादात की, इस कायनात में तजादात की, इस कायनात में इस कसरत तजादात और तजादात कसरत में इंसान को पैदा किया सिर्फ किस लिए? खुद गर्जी के लिए, खुद परस्ती के लिए? ना खुद गर्जी के लिए, ना खुद परस्ती के लिए, खुद फरामोशी के साथ खुदा परस्ती के लिए। अपनी सरफराजी की फिक्र ना कीजिए, सरफरोशी का जौक पैदा कीजिए, सरफरोशी के साथ सजदा रेजी के लिए, दूसरों से दर्द मंदी के लिए। इस पूरी कायनात का दर्द आपके दिल में होना चाहिए, तब आप कहलाएंगे मोमिन, तब आप कहलाएंगे अहले तौहीद, तब आप कहलाएंगे अहले कुरान, तब आप कहलाएंगे अहले विलायत। सिर्फ इंसानों का नहीं, हैवानों का दर्द होना चाहिए, सिर्फ हैवानों का नहीं, नबातात का दर्द होना चाहिए, इस ज़मीन का दर्द होना चाहिए। कुरान मजीद में भी हिदायत है और हदीस में भी हिदायत है, ज़मीन पर चलो तो पांव इस तरह पटख करना चलो, वरना ज़मीन तुम्हारी शिकायत करेगी। गुरूर और तकब्बुर से ना चलो ज़मीन पर, ज़मीन का दर्द भी होना चाहिए। बेज़रूरत दरख्तों को ना काटो, किसकी तालीम है ये? इस्लाम की। अगर इस पर सारी दुनिया अमल करती तो ये जो आजकल मुसीबत आई हुई है पूरी दुनिया पर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो मुश्किलें हैं, ये ना होती। बेज़रूरत पता ना करो दरख्तों को, बेज़रूरत शिकार ना करो, किसी जानवर को बेज़रूरत मार नहीं सकते। ये नहीं कि शौकिया ज़ौक है आपका, शौक है आप हैवानों को हलाक कर रहे हैं, बेज़रूरत ना करो। जंग की हालत में दुश्मन से जंग करो, क्योंकि वैसे आने वाली हैं कि कुरान मजीद में क़िताल का क्यों हुक्म है, जिहाद का क्यों हुक्म है, ये आयतें निकाल दीजिए कुरान मजीद से, सुभान अल्लाह, आएगी वो बहस। जंग करो, अगर जंग की जरूरत है तो देखो जो दुश्मन तुम्हारे सामने आ रहा है तुम्हारे जान के दर पे होकर, उसी के उसी की जान के दर पे तुम भी हो ना। ऐसा ना हो कि तुम दुश्मन की आबादी में जाओ तो दरख्तों को काट डालो और घरों को उजाड़ डालो और बच्चों के साथ तुम जुल्म करो, ख्वातीन पर ज्यादती करो, उनके जानवरों को हलाक करो, ये ना करना। यानी क्या? यानी तुम्हारे दिल में पूरी कायनात की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर रास्ता है ना, एक जगह सब्जा उगा हुआ है, हरी घास, सब्जजार, मरगजार, खूबसूरत, और दूसरी तरफ खुश्क जमीन है, तो आपकी फितरत क्या कहती है? कहाँ चलेंगे आप? रास्ता तय करेंगे सब्जे पर या जमीन पर? खुश्क जमीन पर, सख्त जमीन पर। क्यों? बिला वजह उस जानदार सब्जाजार को क्यों रौंदते हो? फितरत भी यही कहती है, शरीयत भी यही कहती है, शरीयत भी यही कहती है, तरीकत भी यही कहती है। तरीकत, हकीकत, शरीयत अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही हकीकत के अतवार हैं। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
ये जो कुरान नाजिल हुआ, अगर पहाड़ इससे टुकड़े टुकड़े हो सकता है तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं फट पड़ता, टुकड़े टुकड़े होता दूसरों के गम अलम में। अभी चंद दकीके और साथ दे दीजिए, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इंसान कैसा शकी इंसान है वो इंसान, उस इंसान के बारे में क्या कहें जो गमे हुसैन में नहीं आंसू बहा सकता, वो दूसरे आम इंसानों के लिए क्या दिल में दर्दबंदी पैदा कर सकता है। इसलिए यकीन फरमाइए, जो आज़ादार मुआशरा है ना दुनिया में, पूरी दुनिया में, ये इंसानी कुलूब की तरबियत करने वाला एक अजीमुशान मुआशरा है। ये जो मातम करने वाले हाथ हैं ना, इन हाथों का एहतराम करो। ये अपने सीने पे हाथ मार के दर्दमंदी का सबक सिखाते हैं। दर्दमंदी, सोगवारी, दूसरों के दर्द और आलम और गम को महसूस करना और उस शिद्दत से महसूस करना जैसे वो उसका नहीं तुम्हारा गम है, ये तरबियत गाह है, ये तरबियत गाह इस्लामी है, ये तरबियत गाह ईमानी है, ये तरबियत गाह कुरानी है, ये तरबियत गाह गदीरी है, ये तरबियत गाह विलायत है। अगर ये तासीर नहीं पैदा हुई तो आप हक अदा नहीं कर सकेंगे। लो अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। बस एक फिक्रा और मकाम मनकबत या मकाम नातो फजीलत में अर्ज करके फिर मसाइब की गुजारिश की तरफ आता हूँ। एक दर्स तो इसमें यह है हमारे आपके लिए कि हमारे दिल नरम होने चाहिए। अगर पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो सकता है खशियत इलाही से, खौफ इलाही से, तो हमारे दिल नरम क्यों नहीं पड़ते। दूसरा पहलू यह भी है कि कितना अजीम होगा वो कल्ब जिस कल्ब पर यह कुरान नाजिल हुआ। यहां से कल्ब मुबारक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, कुव्वत, शान सामने आती है। क्या नूर कुदसी था, क्या कल्ब मुबारक था जिस पर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वो कुरान नाजिल किया जो कायनात की किसी सख्त से सख्त चीज़ पर भी नाजिल नहीं हो सकता था। अब समझ रहे हैं आप मैंने ये जुमला क्यों अर्ज़ किया, किसी भी सख्त से सख्त चीज़ पर, इसलिए कि इस कुरए अर्ज़ पर सबसे सख्त चीज़ पहाड़ है, तो गए ये पहाड़ की मिसाल दी गई है। पहाड़ मौजूइयत नहीं रखता, पहाड़ मौजूइयत नहीं रखता, मौजूइयत यह है कि एक मिसाल दी गई कि इस पूरी कायनात में कोई सख्त से सख्त चीज मुमकिन नहीं है कि वो बार उठा सके नूर कुरान का मगर कल्ब मुस्तफा। और जो चीज़ कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हो, कल्ब मुस्तफ़ा उसका अमीन हो, और मुस्तफ़ा फिर अपने बाद जिसे अमीन बनाएं वो भी कल्ब मुर्तज़ा हो, उस हकीकत तक क्या किसी गैर मासूम का दस्त तसरुफ़ पहुंच सकता है कि कुछ आयतें निकाल ले और कुछ आयतें डाल दे। समझ में आती है ये बात, क्या हो गया है आपकी होशो खैरत को, क्या हो गया है, क्या कुरान मजीद को समझा। याद रखिए, कल भी मैंने अर्ज किया था कि कुरान मजीद पे जो एतराज़ात हैं नए नहीं हैं, और इन तमाम एतराज़ात का जवाब खुद कुरान मजीद में मौजूद है, बस आयात की तिलावत करने की ज़रूरत है। मसलन इस पूरे कुरान से मुतालिक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہیں ہم, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن مجید میں انداز یہ انا نحنو, یہ عجیب و غریب لہن ہے, عجیب انداز ہے یہ. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے عظمت و جلال الہی کے اظہار کے لیے. خدا کے علاوہ کسی کو یہ انداز خطاب زیب نہیں دیتا. ہم ہیں ہم, اور یہ قرآن مجید میں بس ان مواقع پر آیا ہے جہاں کوئی بہت ہی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مثلا انسانوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مرنے جینے کی بات, مرنے جینے کی بات ہے. کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے جس پہ انسان مرنے جینے پہ تیار ہو جائے؟ مرنا جینا ہی ہے جس پہ مرنے جینے کے لیے تیار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے لہجے میں کیا فرق ہوا, ایک ہی فقرے کو دہرانے میں کیا معنویت پیدا ہو گئی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مردے کو کوئی زندہ کر دے, یہ ہے بڑی بات. زندہ کو مارنا بڑی بات نہیں ہے, مردہ کو زندہ کرنا بڑی بات ہے. تو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین آپ میں سے اکثر حضرات کو تقریباً پوری یاد ہوگی, اکثر تلاوت کی جاتی ہے. اس کی 12ویں آیت میں یہی انداز ہے, انا نحنو نحیی الموتا, ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم ہیں ہم, وہی انداز جو وہاں ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. چونکہ زندہ کرنا عظیم ترین مسئلہ ہے, عظیم ترین. واقعی یہ ترین کا لفظ ہم لوگ تو بہت استعمال کرتے ہیں. سپرلیٹیو ڈگری میں گفتگو کرنا ہم لوگوں کی بیماری ہے. ہر حقیر سے حقیر چیز کو ترین لگا کر عظیم ترین بنا دیتے ہیں. معمولی سا کوئی شاعر ہوگا عظیم ترین شاعر, معمولی سا کوئی ذرا سا ایک دو صفحہ پڑھ لیا عظیم ترین عالم. معلوم ہوا کہ کوئی ایک دو صفحہ مضمون لکھ لیا عظیم ترین ادیب. ترین کے نیچے تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی اب یہ ترین کے ساتھ جتنے کلمات ہیں یہ بے معنی ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال توجہ رہے آپ کی اس طرف کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے نا, قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ کہاں پر یہ استعمال کرنا چاہیے ترین کا. عظیم ترین مسئلہ ہے واقعا مردے کو جلا دینا. خدا کہہ رہا ہے. ویسے ایک بات عرض کروں, کوئی اس سے اختلاف نہیں, جتنے وعدے خدا نے کیے ہیں اور جتنے کام خدا نے اپنے ذمے لیے ہیں کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اور واسطے سے, ہے نا. اللہ نے کہا میں ہدایت دوں گا, ہدایت دینا میرا کام ہے. ہدایت دیتا کون ہے؟ نبی. اللہ نے کہا رزق دینا میرا کام ہے. رزق بانٹتا کون ہے؟ فرشتے. اللہ نے کہا کہ شفا میں دیتا ہوں. شفا ملتی کیسے؟ ڈاکٹر حکیم دوائیں سب استعمال کرتے ہیں. شفا دیتا وہ ہے لیکن ان ذریعوں سے. اللہ نے کہا ہم ہیں ہم جو مردوں کو جلاتے ہیں. جب ڈھونڈیں گے تاریخ میں تو کہیں عیسیٰ نظر آئیں گے, کہیں علی نظر آئیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جوانوں, عزیزوں, میرے بچوں, ہرگز شک و شبہ پیدا نہ کرنا اپنے دلوں میں. معجزات حقیقت ہیں اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین سے لے کر فاطمہ زہرا سے لے کر امام حسن اور امام حسین سے لے کر فرزند حسین امام منتظر تک ہمارا ہر امام یہ قدرت رکھتا تھا کہ ایک ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہہ دے زبان سے قوم, مردے سے کہے قوم, وہ اٹھنے پہ مجبور ہوتا تھا. چونکہ یہ خود اذن اللہ ہے.
इन्हें कुम बेइज़्नी कहने की जरूरत, बेइज़्निल्लाह कहने की ज़रूरत भी नहीं है, कुम कह दें खड़ा हो जाएगा, ये ख़ुद इज़्नुल्लाह है। तो बहरहाल जिस तरह यह है कि मुर्दे को ज़िंदा करना अज़ीम तरीन मसला है, उसी तरह यहाँ लहजा है क़ुरान की हिफाजत करना, दीन खुदा की हिफाजत करना, मकाम ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना। इसलिए कहा गया इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम हैं हम इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने वादा लिया हो, दुनिया का कोई हुक्मरान उसे तब्दील कर सकता है? बहुत पैदा हुए और बहुत पैदा होंगे तब्दीलियां करने वाले, वो खुद मस्ख हो के रह जाएंगे। कुरान अपनी जलालत के साथ हमेशा बाकी रहेगा। कुरान मजीद की हिफाजत का अजीब और गरीब एहतमाम इलाही है। वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगु तिश्ना रह गई, और आपको मालूम है कि आज तीसरी मजलिस है मुहर्रम की। दो मुहर्रम को वो काफिला जो चला था, 28 रजब को जो काफिला चला था सरकार सैयद शुहदा का, अबू अब्दुल्लाह हुसैन का, जो काफिला 28 रजब को मदीने से चला था, वो मदीने से मक्के पहुंचा, कुछ अरसा क़याम मक्के में रहा, और 8 ज़िलहिज्जा को यौम तरबिया वो काफिला करबला के लिए रवाना हो गया। जब तमाम दुनिया से आए हुए हाजी एहराम बांध रहे थे अरफात जाने के लिए, उस वक्त जाने काबा एहराम खोल रहा था करबला जाने के लिए। मसला क्या था? क्यों? अजमत कुरान की हिफाजत, अजमत कुरान की हिफाजत, हकीकत कुरान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, मकाम ख़त्म नबूवत की। यही मसाइल थे और कोई मसाला नहीं था, यही मसाइल थे। मकाम ख़त्म नबूवत की हिफाजत क्यों? मैं पहली मजलिस में अर्ज़ कर चुका हूँ, वही का मुनकर कुरान से बयात लेना चाहता था, वही का मुनकर। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम इस मौके पर क़ुरबानियाँ न पेश करते, इतनी अजीम क़ुरबानियाँ, तो मैं नहीं कह सकता कि फिर इस्लाम का क्या होता, फिर इस कुरान का क्या होता। जब मुसलमानों की अजीम सल्तनत का सुल्तान कह दे कि ना कोई फरिश्ता आया था ना कोई वही नाजिल हुई थी, तो लोगों का क्या आलम होता है? मशहूर मकूला है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग तो अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। फिर क्या होता है इस मिल्लत का, इस उम्मत का? पूरी की पूरी उम्मत यजीदों और वलीदों की तरबियत करदा उम्मत हो जाती। लेकिन आज अगर दुनिया में कुरान की सदाएं बुलंद हैं, आज अगर दुनिया में मनारों से अजानें बुलंद हैं, आज अगर खाने काबा के गिर्द अभी भी नमाज की सफ़ें कायम हैं, आज अगर मस्जिद नबवी में पाबंदी के साथ एहतिकाफ और नमाज और रोज़ा और ये इबादतों के तमाम अरकान दीन कायम हैं, तो ये क़ुरबानी हुसैन का सदक़ा है। हुसैन 8 ज़िलहिज्जा को रवाना हुए और 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। लेकिन करबला पहुंचने से पहले ही हर हर मंजिल पर हुसैन को कोई ना कोई सदमा ज़रूर पहुंचा। करबला पहुंचने से पहले ही हुसैन को ये सदमा पहुंचा कि एक मकाम पर, एक मंजिल पर कूफे से आने वाले 2 मुसाफिर नज़र आए। इमाम ने अपने असहाब में से किसी का से कहा कि ज़रा जाके इन्हें बुलाओ, देखो कौन है, कहां से आ रहे हैं। बुलाया गया,
वो दोनों आए, करीब आए, कहा किसका कारवां है, कहा ये हुसैन इब्न अली का कारवां है। सुनते ही उन दोनों मुसाफिरों के चेहरों का रंग बदल गया। कहा कहाँ हैं फरजंदे रसूल, कहा तुम हमें कूफे की कुछ इत्तला दोगे, कहाँ इत्तलाएं तो अहम हैं मगर तुमसे नहीं बता सकता, मुझे आका तक ले जाओ, मुझे फरजंदे रसूल तक ले जाओ। फरजंदे रसूल तक लाया गया, इमाम हुसैन तक लाया गया, देखा कि चेहरे के रंग बदले हुए हैं। आका हुसैन ने पूछा, कहो तो सही क्या खबर है। आने वालों ने इधर उधर देखा, इधर अली अकबर हैं, इधर अब्बास हैं, कुछ और लोग हैं। ऐसा मालूम होता था ये दो आने वाले आका की मारिफत रखते थे। दिल में दिल सोजी थी, दिल में दर्द मंदी थी, कुछ एहतराम और अजमत का लिहाज था। खामोश थे, इधर उधर देख रहे थे। इमाम ने आँखों को पहचान लिया और कहा, देखो ये मेरे अपने हैं, इनसे कोई पर्दा नहीं है, इनसे कोई हिजाब नहीं है, जो खबर हो बताओ। एक मरतबा उन्होंने बा आहो नाला कहा, फरजंदे रसूल जब हम कूफे से निकल रहे थे तो आपके सफीर मुस्लिम इब्ने अकील के पाँव में रस्सियां बंधी थी और कूफे की गलियों में बेहुरमती की जा रही थी। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कूफे की गलियों में सफीर हुसैन, और आप सुनेंगे एक जुमला, ये जुमला मेरा नहीं है, आपकी यकीनन सदाएं और बुलंद हो जाएंगी। इमाम बुखारी वही जिनकी सही बुखारी, उन्होंने अपनी दूसरी किताब जहां उन्होंने अपने रिजाल से बहस की है, तारीख कबीर में लिखते हैं कि वो चंद अफराद जिनकी शक्ल व सूरत रसूलुल्लाह से मुशाबे थी, उनमें से एक मुस्लिम इब्ने अकील भी थे। यानी कूफे की गलियों में तस्वीर पैगंबर की बेहुरमती हो रही। आका ने सुना और आपकी रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गए, चेहरे पर आंसुओं की झालर। आका हुसैन कुछ देर तवक्कुफ फरमाया और उसके बाद खैमे में तशरीफ ले गए। बीबी जनाब ज़ैनब ने देखा भाई के चेहरे का रंग बदला हुआ है, रीशे मुबारक आंसुओं से तर है, लगता है कोई सदमे की बात है, लगता है कोई अंदोहनाक मसला दरपेश है। सोच ही रही थी कि एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, आका ने फरमाया, इसलिए कि जनाब मुस्लिम की जौजा आका हुसैन की बहन है, आका अमीरुल मोमिनीन की बेटी हैं जिनका नाम रुकैया है। कहा मुस्लिम की जौजा कहाँ हैं, बुलाओ। ज़ैनब तो समझ गई, जाके मुस्लिम की जौजा को लाई, बच्ची को लाई। जैसे ही बच्ची करीब आई, आका हुसैन ने सर पे हाथ रखा, ये बनी हाशिम के बच्चे हैं। जैसे ही हाथ रखा, फौरन बेदरेग बच्ची ने एक मर्तबा अपने अम्मू को देखा और कहा, खैर तो है मेरे बाबा की, खैर तो है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आका हुसैन ने बच्ची को बहुत दिलासा दिया, बहुत दिलासा दिया। और आम तौर पर आप सुनते रहते हैं कि वो कानों की बालियां, वो बूंदे जो सकीदा के लिए रखे थे, वो यतीमाए मुस्लिम के गोशवारे बना दिए। और ये वो आका हुसैन हैं कि जब खुद आका हुसैन शहीद हुए हैं तो आपकी बेटी तड़प रही थी गम में और दुश्मन आकर बालियां सलब कर रहा था, रुखसार पर तमाचे लगा रहा था, और वो बच्ची पुकार रही थी, बाबा बाबा, यतीमों पर करम करने वाले बाबा, बेवाओं पर करम करने वाले बाबा, आपके बाद देखिए हम पर क्या मुसीबतें नाजिल हो रही। इन्ना लिल्लाह
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں قرآن کی عظمت پر اپنی جانیں نثار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت مصطفیٰ اور اہل بیت قرآن کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے معاشرے پر علماء حق کا سایہ برقرار رکھ. پروردگار تمام مراجع کرام جو بھی مراجع حق ہیں, جو دینی مرجعیات ہیں, صحیح اور سچی اور صادق مرجعیت, اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار بطور خاص آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ ولی فقیہ سید علی حسینی خامنہ ای کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار انسانیت آلام میں مبتلا ہے, اس وباء عام کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما, پالنے والے گناہگاروں کی نحوستوں کو دور فرما, گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار معبود ذکر حسین سننے والوں کے دلوں میں جو آرزوئیں ہیں ان آرزوؤں کو پورا کر دے. پروردگار جن کو اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی رزق و روزی میں کشائش عطا فرما. پروردگار ہماری تعلیم, ہماری ثقافت کو بلندی عطا فرما. پروردگار ہماری تہذیب کو عمومیت عطا فرما, ہمارے دلوں کو عمومی دل سوزی عطا فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. ماتم حسین. آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں. حبیب آ جاؤ ہے تنہا, تمہارا دوست ہے تنہا. حبیب آ خط میں شاغن لکھا, حبیب آ جاؤ. ارے شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر, تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. ارے رقیہ تکتی ہے رستہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. ارے لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے, کہ جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ.
अरे वो जब ये सुनती है कूफे से आ रहे हैं शकी तो पूछती है हमारा भी आएगा कोई, अरे दुआएं दे दुआएं देगी सकीना, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, खैदरे बतूल दोबारा जलाया जाएगा, तुम्हारे दोस्त पे खंजर चलाया जाएगा, नहीं है वक्त ज्यादा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने हबीब आ जाओ। आखिरी बन मुलाहिज़ा फरमाइए, अरे ये खत नहीं इसे बहनों की आरज़ू समझो, अरे हमारे लफ्ज़ों को ज़ैनब की गुफ्तगू समझो, अरे बहन ये कहती है भैया हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हबीब आ जाओ, हबीब आ जाओ। या जहरा, शहजादी आपके आंसू ये कबूल फरमाएं। आइए जनाब उम्मुल बनीन की बारगाह में एक पुरसा पेश करते हैं कि जब मेरी शाम वाली शहजादी शाम की कैद निभा कर करबला आई है वापस, तो जनाब अब्बास की कब्र पे जो शहजादी ने नोहा पढ़ा आकर, उसके दो तीन बन बतौर मसाइब आपके रोने वालों की नजर कर रहा हूं। आई जब कर बो बला लौट के बिनते तो कब्रे अब्बास पे ज़ैनब ने किया ये नोहा। सुनो, एक बहन ने जो शाम में गुजरने वाले मुसीबतें अपने भाई को सुनाई है, वो सुनो। अरे तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। अरे तेरी शख्सो तो ऐसा नहीं होता गाजी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी।
पर कभी असरब तो कभी सुए नजफ देखते थे। अरे कभी तेरे कट शानों की तरफ देखते थे। अरे शहन अकबर के कलेजे से निकाली बरछी तू अगर हो नहीं होता गाजी। अरे हो गई सानिये जहरा भी ज़ईफ़ा पास। अरे सांस लेती हूँ मगर मैं नहीं जिंदा। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। है प्यास में भी तुझे आवाज दिए जाते थे। अरे जेर खंजर भी तेरा नाम लिए जा थे। अरे गर्दन शाख पे जब शिमर चलाता था छुरी। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। जो रोने आया है सुने। अरे मेरे हाथों को भी रस्सी से गया था बांधा। अजीब बैंड किया होगा शहजादी ने सुनो। अरे मेरे हाथों को भी रस्सी से गया था बांधा। अरे मैं भी हाथों का न ले पाई सहारा भैया। अरे जैसे तू जी से गिरा वैसे मैं नाके से गिरी। अरे जैसे तू जी से गिरा वैसे मैं नाके से गिरी। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। अरे लड़खड़ाते आखिरी बन सुनो। लड़खड़ाते थे कभी पाँव तो गिर जाते थे। हो कहाँ मेरे जवारों के ये फरमाते थे। है लाश लाश मिलती न थी भैया को अली अकबर की। तू अगर हो